हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बात करते हैं आज की ट्रेडिंग ट्रेडिंग की व्हाट वेयर द लर्निंग्स क्या क्या आज अपॉर्चुनिटीज़ थी ट्रेड लेने की मोस्टली uh, मैं बैंक निफ्टी की हमेशा बात करता हूं बिकॉज आई लव ऑप्शन ट्रेडिंग uh, इसीलिए मैं हमेशा आपको अपनी चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करता रहता हूँ और आपको मैं हमेशा ज्यूरिंग द डे अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ कहाँ कहाँ पर थी और क्या क्या इंडिकेटर्स थे आप यूज़ कर सकते थे uh, ट्रेड लेने पे तो लेट्स लुक एट है आज के दिन का ट्रेड क्या सा था दिस इज होल डे आज दिन का हाउ द ट्रेड लुक लाइक आज आप अगर देखोगे इट वाज अ ट्रेंडिंग डे वेयर सॉरी आज आज का दिन इट वाज मोर ऑफ द ट्रेड वेयर इट वाज साइडवेज इट रिमेन साइडवेज आप देखोगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कम थी uh, इसमें आप ऐसे वाले ट्रेंड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बहुत सी कम अपॉरचुनिटीज़ मिलती हैं ट्रेड करने की और बहुत सा कम मार्जिन रहता है कि आप, आपको स्विंग ढूंढना पड़ता है कि हाईज़ कहाँ पे हैं लोज कहाँ पे हैं तो आज का ट्रेड मैंने कैसा दिया लेट्स व्हाट वर द दर्चुनिटीज़ तो आ, ये आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली exactly कहाँ पे ट्रेड ये मेरा सेटअप रहता है जनरली बैंक निफ्टी के लिए हमेशा मैं दो इंडिकेटर चूज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू चार्ट में जाके एक तो मैं सी पी आर हमेशा लगाता हूँ पेवर्ड्स के साथ सेकेंड इज माई एम ई सी डी लाइन जो आप यहाँ पे देख सकते हो और जो आप ये रेड लाइन्स और ब्लू लाइन बीच में देख सकते हो दिज आर ऑल माई सी पी आर एंड पीवर्ड्स मतलब रेजिस्टेंट्स और सपोर्ट लाइन जो मैं हमेशा ड्रा करता हूँ अपने चार्ट में दोज आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स ट्रेडिंग सो आज मैं वेन डिड आई टू का डिस अराउंड नाइन थर्टी नाइन फोर्टी के करीब जब मैंने देखा ये सिग्नल लाइन क्रॉस कर रहा है एम ई सी डी में विच इज़ एन इंडिकेशन दैट द मार्केट वुड कम डाउन सो वट आई डिड और इमिडियटली ये वाला जो रेड कैंडल बन रहा था इमिडिएटली आफ्टर दैट आई वेटेड फॉर सम टाइम बिकॉज दिस वॉज एन इंडिकेशन दैट यू नो आई शुड एंटर द ट्रेड आई ऑलमोस्ट एंटर्ड द ट्रेड हियर द ग्रीन कैंडल विच इज आफ्टर द रेड कैंडल बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइसेस वापस uh, आ गई थी अप्रॉक्सीमेटली फोर हंड्रेड एट्टी इज वन आई टूक द बैंक निफ्टी का सिक्सटी का लॉट चार सौ अस्सी रुपये में टू थाउजेंड फाइव हंड्रेंड का पुट मैंने बाई किया ओके एंड आई वेट इट फॉर समाइम उसमें फिर क्या हुआ कि ट्रेड जो था इट वॉज यू नो नॉट गोइंग एनी वे टूडे सो यू नो इट केप्ट फ्लैट लाइक दिस ऑल दई वॉज़ एक्सपेक्टिंग यू नो इट वुड कम शार्प लाइक दिस बिकॉज यू नो एम सी डी लाइन का जो इंडिकेटर नीचे क्रॉस ओवर कर चुका था बट इट ड नॉट है दैट वे नॉट दैट यू नो ऑल द टाइम द ट्रेड मोज एग्जैक्टली हाउ द इंडिकेटर शो यू बट नो यू अगेन हैव टू बी स्मार्ट एंड टेकिंग राइट डिसीजन एट द टाइम सो वॉट हेड है ज्यादा था उसमें आज ट्रेड में अपर्चुनिटी नहीं दिख रहा है सो मे डि वट आई डिड इज़ uh, I uh, thought to exit after the uh, three candles के बाद जो red candle था उसमें मुझे सिर्फ बीस point का profit हुआ और यहाँ पे exactly ये जो red candle जैसे ही बनने लग गया उसमें बीस points का मेरे को profit दे रहा था ये तो मैंने फिर exit कर लिया so which is मैंने पाँच सौ पे जो मैंने फोर एटी का खरीदा था पाँच सौ पे सिक्सटी का लॉट मैंने ने, 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 बैंक निफ्टी का बेच दिया हवेवर जूरिंग द डे दे वॉज अनदर अपॉर्चुनिटी राइट टूवर्ड्स द एंड अगर आप देखोगे हेयर दिस वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे uh, ट्रेड में रह के आप पुट बाई कर सक के आप प्रॉफिट कमा सकते थे हवेवर uh, मैंने सुबह प्रॉफिट कमा लिया था एंड यू नो आई गॉट बिजी विद सम अदर वर्क जूरिंग द डे सो आई डिड नॉट एंटर द ट्रेड आफ्टर दिस So, आप अगर देखोगे यहाँ पे भी एम ए सी इंडिकेटर क्रॉस ओवर करके यहाँ पे सिग्नल दे रहा था सेलिंग का सेलिंग इन द सॉरी सेलिंग इन द सेंस दैट यू नो द सेलर्स आर देयर इन द मार्केट विच आर विच इज़ लाइकली कि बैंक निफ्टी वुड कम डाउन दैट वाज एन इंडिकेशन योर सो आपको मैं स्क्रीन शॉट्स पर दिखा सकता हूँ ये देख लीजिए मेरे ट्रेड का स्क्रीन शॉट आज का uh,